हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, रियलमी ने अपना फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन जो है रियलमी एक्स सेवन प्रो जो है इंडिया में फाइनली लॉन्च कर दिया है। आपने बहुत सारी वीडियोस यहां पर इसके ऊपर देखे रहेंगे, बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है, चाहे न्यूज़पेपर की बात करो, यूट्यूब की बात करो, या कहीं भी आपने आर्टिकल वगैरह पढ़ा होगा तो बहुत ही मतलब बढ़िया सी फ्लैगशिप किलर अंडर 30,000 रुपीज पड़ा होगा। यस, इसमें आपको कुछ अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत सारी कमियां भी देखने को मिलती है अगर हम 30,000 रुपए को कंसिडर करते हैं तो। तो आज की वीडियो में मैं आपको कमियों के बारे में बताने वाला हूं रिगार्डिंग रियलमी एक्स सेवन प्रो। 7 कमियां बताऊंगा यहां पर ये स्मार्टफोन में, जो कि आपको खरीदने से पहले पता होना चाहिए, वो भी दिल से ऑनेस्टी के साथ में। तो कर देना वीडियो को लाइक, वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हम 3,000 लाइक्स का। आई होप पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं यार, आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। सुबह में हमने एक बहुत ही कमाल का कंपैरिजन वीडियो डाले थे आप लोग की डिमांड पे, रियलमी एक्स सेवन वर्सेज रियलमी सेवन प्रो, 20,000 रुपए में दोनों में से कौन सा बेस्ट स्मार्टफोन है। एक एक पॉइंट के बारे में आपको सारी चीजें ऑनेस्टी के साथ में बताया था। तो 20,000 रुपए का बजट है, कंफ्यूज होकर एक्स सेवन ले या सेवन प्रो ले, तो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हूं। ये वीडियो देखने बाद आप वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्स सेवन प्रो के बारे में। तो प्रोज आपको 3 से 4 देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि डायमेंसिटी 1000 प्लस वाला चिपसेट है, 120 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, 65 वाट की स्पीड डार्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। तो ये 3 से 4 चीज आपको काफी बढ़िया सी भी देखने को मिलती है, लेकिन उससे ज्यादा जो है आपको ये स्मार्टफोन पे कमियां देखने को मिलती है अगर आप 30,000 रुपए यहां पर कंसिडर करते हो। तो सबसे पहली कमी की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको कोई भी एसडी कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ डुअल सिम का सपोर्ट मिल जाता है। यार, एटलीस्ट अगर हाइब्रिड भी दे देते हैं काफी बढ़िया लगता है। हम शाओमी, रियलमी और सैमसंग से एक्सपेक्ट करते हैं कि एसडी कार्ड स्लॉट एटलीस्ट प्रीमियम मिड रेंज में या मिड रेंज में प्रोवाइड कराए, क्योंकि ये स्मार्टफोन पे आपको एसडी कार्ड का स्लॉट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। देना चाहिए था, क्योंकि यहां पर आपको 256 जीबी वाला वेरिएंट भी लॉन्च नहीं करे, सिर्फ 128 जीबी 8 जीबी वाला कॉम्बिनेशन जो है उसे लॉन्च करा गया है। तो जिसको 128 जीबी से भी ज्यादा का स्टोरेज लगता है और एसडी कार्ड कैरी करना पसंद करता है, वो लोगों के लिए यहां पर डेफिनेटली जो है पॉइंट डील ब्रेकर हो सकता है। दूसरी कमी की अगर हम बात करें तो यहां पर ये स्मार्टफोन पे भी X7 की तरह आपको X7 Pro में भी जो है 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार, ब्लूटूथ वगैरह इस्तेमाल करते हैं, एडवांस हो गए। भाई, एडवांस कितना भी हो जाने दो, 3.5 हेडफोन जैक की एक अलग ही वैल्यू। अगर आप एडिटिंग करते हो या गेमिंग करते हो ना, तो लेटेंसी के बारे में आपको पता लगेगा। ब्लूटूथ में कितना भी अच्छा ले लो, वैसी लेटेंसी नहीं मिलती है। और बहुत सारे लोगों को चार्जिंग वगैरह करना नहीं रहता, एक वायर्ड वाले की जो अच्छा हेडफोन या ईयरफोन की अगर हम बात करें, अगर आप डैक अगर आपका अच्छा रहेगा ना, तब आपको यहां पर पता चलेगा ऑडियो एक्चुअल में होता क्या है। तो 3.5 हेडफोन जैक एटलीस्ट 20 से 30,000 रुपए में मेरे हिसाब से रियलमी को प्रोवाइड कराना ही चाहिए था। हाँ, बॉक्स में जरूर आपको यहां पर एडाप्टर देखने को मिल जाता है टाइप सी वाला, लेकिन वो एडाप्टर लेके घूमेगा कौन? और बंदे को अगर चार्जिंग के साथ में वायर्ड वाले में गेमिंग करना है या कुछ भी और चीजें करना है तो वहां पर नहीं कर पाएगा। तो मेरे हिसाब से मिड रेंज में या प्रीमियम मिड रेंज 30,000-35,000 रुपए की रेंज में भी जो है ब्रांड्स को 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट देना चाहिए। और रियलमी से मैंने एक्सपेक्ट करा था, लेकिन ये स्मार्टफोन पे आपको देखने को नहीं मिलता है। ये भी बहुत सारे लोगों के लिए डील ब्रेकर हो सकता है। सो गाइस, थर्ड कमी की अगर हम बात करें तो वो इसके स्टोरेज टाइप और रैम टाइप को लेके। 30,000 रुपए का अगर आप स्मार्टफोन परचेज करते हो फ्लैगशिप चिपसेट के साथ में, तो आप एक्सपेक्ट क्या करते हो? UFS 3.0 का सपोर्ट मिलेगा, ये 3.1 का मिलेगा, ये LPDDR5 वाला रैम देखने को मिलेगा, लेकिन ये स्मार्टफोन पे आपको ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। यहां पर आपको नॉर्मल सा UFS 2.1 स्टोरेज टाइप वाला जो स्टोरेज टाइप मिलता है, एज वेल एज LPDDR4X वाला रैम टाइप देखने को मिलता है। ये तो यार 10-11,000 रुपए के पोको M3 में भी आपको देखने को मिल जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे आपको बता दूं, ये फोन की गलती नहीं, ये चिपसेट की गलती है, क्योंकि डायमेंसिटी 1000 प्लस जो चिपसेट है ना, वो UFS 2.2 के ऊपर जा ही नहीं सकता, और रैम टाइप भी ज्यादा अपग्रेड वगैरह नहीं हो सकता है। तो लेकिन यूजर को तो यार मतलब स्टोरेज टाइप और उससे मतलब है, चिपसेट से हमें क्या करना है, हमें पावरफुल चिपसेट चाहिए, लेकिन अगर वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा है तो यूजर की गलती बिल्कुल भी नहीं है। तो यस, आपको मुझे बताना था कि ये स्मार्टफोन में जो है आपको स्टोरेज टाइप और रैम टाइप काफी एवरेज सी देखने को मिलती है अगर आप 30,000 रुपए यहां पर कंसीडर करते हो तो। एंड हां गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारा ऑनेस्ट कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक नहीं करो तो लाइक कर देना, पहली बार चैनल पे आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि ऐसे ही गर्मा गर्म लेटेस्ट ऑनेस्ट कंटेंट जो है मैं आप तक सबसे पहले पहुंचा पाऊं।
गाइस फोर्थ कमी की अगर हम बात करें, जो कि ये भी चीज मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी है यार, 30,000 रुपए का अगर आप स्मार्टफोन परचेस कर रहे हो तो आप EIS एक्सपेक्ट नहीं करते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो OIS के साथ में ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा, मतलब ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, जो कि जनरली हमें फ्लैगशिप स्मार्टफोन पर देखने को मिलता है। ये स्मार्टफोन पर मेरे हिसाब से OIS रहना चाहिए था, EIS का नहीं यार। 10-15 हज़ार तक के ठीक है, लेकिन 30,000 रुपए के फोन में Realme को OIS यहां पर देना चाहिए था। वैसे आप EIS और OIS के बात से मेरी सहमत हो या नहीं हो मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। फिफ्थ कमी की अगर हम बात करें तो अगेन यहां पर इसके कैमरे को लेके यार 64 मेगापिक्सल का IMX686 दे दिए, काफी बढ़िया लगा, चलो अच्छा सेंसर है, अच्छे से ऑप्टिमाइज करेंगे तो अच्छी पिक्चर क्लिक होगी। लेकिन उसके बाद के तीन सेंसर का क्या, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी एक बार हम ले लेंगे, उसकी जगह पे 13 मेगापिक्सल वैसे देना चाहिए था, लेकिन 8 मेगापिक्सल हम एक्सपेक्ट भी कर लेंगे। लेकिन यहां पर जो है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, ये 30,000 रुपए का फोन ले रहे या हम 8,000 रुपए का फोन ले रहे, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और डेप्थ से हम करेंगे क्या, एटलीस्ट 5 मेगापिक्सल यहां पर रहना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो यहां पर टेलीफोटो लेंस इनको एक प्रोवाइड कराना चाहिए था और डेप्थ सेंसर निकाल देते तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी, वैसे भी 2 मेगापिक्सल का जो है वो यूजलेस रहता है, सॉफ्टवेयर की मदद से आप अच्छे खासे जो है पोर्ट्रेट मोड वगैरह निकाल पाते हो। तो मुझे लगता है कैमरा सेटअप से 64 मेगापिक्सल दिखाने के लिए, बाकी के जो 3 सेंसर है वो इतने कुछ खास नहीं है। तो क्वाड कैमरे का सेटअप मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ये जस्टिफाई नहीं करता 30,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे, डुअल कैमरे का सेटअप आप इसे बोल सकते हो। सो गाइस सिक्स कमी की अगर हम बात करें तो इसके एंड्रॉइड वर्जन और यूआई को लेके, यार 30,000 रुपए का फोन ले रहे हो, हाँ 5 महीने पुराना स्मार्टफोन जरूर है लेकिन इंडिया में तो अभी लॉन्च हुआ है ना, तो इंडिया वाले यूजर लोग के लिए कुछ तो अलग रहना चाहिए, ये कुछ तो अपग्रेड रहना चाहिए, लेकिन नहीं, एंड्रॉइड 11 को आके कितने महीने हो चुके हैं और रियलमी यूआई 2.0 जो है उसको भी आके कितना टाइम हो चुका है, लेकिन अभी आप 30,000 रुपए का फोन लॉन्च करो तो एटलीस्ट एंड्रॉइड 11 के साथ में तो इंडिया में लॉन्च करो, रियलमी यूआई 2.0 के साथ में तो लॉन्च करो, कि नहीं Realme आपको जो Android 10 ही आउट ऑफ द बॉक्स देगा और Realme का पुराना UI आपको प्रोवाइड कराएगा। हाँ वेट करते रहो फिर आपको जो अपडेट वगैरह आगे चल के मिल जाएगा। तो ये चीज मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, एक्सेप्टेबल नहीं है अगर आप 30,000 रुपए का स्मार्टफोन परचेज कर रहे हो। तो सातवीं कमी की अगर हम बात करें, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए डील ब्रेकर है, मेरे लिए भी यहां पर ये स्मार्टफोन का डील ब्रेकर पॉइंट आप इसे कह सकते हो, वो है ये फोन की इंडिया प्राइस पॉइंट। जी हां, चाइना में लॉन्च हुआ था 2199 युआन का, मतलब 25,000 रुपए के आसपास लॉन्च हुआ था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 27,000 रुपए में आएगा या मैक्स टू मैक्स जो है 28,000 रुपए में हमें देखने को मिलेगा, लेकिन Realme ने करा क्या है, नहीं भाई 28-27 से नहीं, हमें राउंड फिगर बनाना है तो हम 30,000 रुपए में यहां पर ये स्मार्टफोन को लॉन्च करेंगे। 30,000 रुपए में बंदा ये स्मार्टफोन को क्यों लेगा, सिर्फ Dimensity 1000 प्लस चिपसेट के लिए, 120 हर्ट्ज सुपर एमोलेड डिस्प्ले के लिए, उसके अलावा फोन में बाकी के जो फीचर्स अगर आप देखोगे ना मिड रेंज वाले देखने को मिलते हैं, तो 30,000 रुपए के मेरे हिसाब से जो है बिल्कुल भी कोई फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन नहीं है, ठीक ठाक है। अगर 27,000 रुपए के आसपास लॉन्च होता और उस पर बैंक ऑफर देते तब तो यहां पर मजा ही आ जाती, लेकिन 30,000 रुपए का है बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, एंड मेरे हिसाब से 2-3 हज़ार रुपए जो है Realme ने इंडिया में इसे महंगा लॉन्च कर दिया है। अब आप बोलोगे भाई ICICI बैंक पे, एक्सिस बैंक पे ऑफर वगैरह चल रहा है, तो आपके पास सीरियसली बताना ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है, 2,000 रुपए का डिस्काउंट ले पाओगे, आप ढूंढते रहो कभी बाई चांस एकाध मिल गया तो मिल गया, वरना आपको नहीं मिलने वाला है। डेबिट कार्ड तो एक बार मिल भी जाता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड ICICI के जो 2,000 रुपए का डिस्काउंट है वो तो आप भूल ही जाओ, बहुत ही कम लोग यहां पर ऑफर का फायदा उठा पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी लोगों को परचेस करना उनको 30,000 रुपए पे करके ही लेना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस पॉइंट मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये 7 पॉइंट्स थे जो कि मुझे कॉन्स लगे Realme X7 Pro इंडिया वाले वेरिएंट को लेके। आप में से बहुत सारे लोग ये पॉइंट्स को एग्री करोगे, बहुत सारे नहीं करोगे, बहुत लोग लाइक करोगे, बहुत लोग डिसलाइक करोगे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, मेरा काम था आपको ऑनेस्ट ओपिनियन यहां पर प्रोवाइड कराना, क्योंकि फोन अगर आप 30,000 रुपए का ले रहे हो तो आपको पता रहना चाहिए क्या कुछ चीजें जो है Realme आपको कंपटीशन से कम यहां पर दे रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम 2021 में रह रहे, 2001 में नहीं। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो, वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मैंने जो 7 पॉइंट बताए हो क्या आप इससे सहमत हो, इससे एग्री करते हो या नहीं करते हो, या आपके अलावा कुछ और यहां पर इसमें कौन सा है या प्रोस है, जो भी आपके ऑनेस्ट ओपिनियन है यहां पर ये स्मार्टफोन को लेके या ये वीडियो को लेके मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। आई होप कि हम सबको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हो आपसे किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।